दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए बनाया जाता है ऐसे कोई भी वीडियोस देख के आप खुद के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल ना करें अगर आपको इस तरीके का या किसी भी तरीके का कोई बीमारी होता है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें करें सेल्फ मेडिकेशन को ऑलवेज अवॉइड नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रेटोलाइसिस के बारे में पहले ही इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है पर यह बीमारी इतने सारे लोगों को हो रहा है कि इसके ऊपर दोबारा बात करना जरूरी है सबसे पहले जानते हैं कि ये बीमारी क्यों होता है कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है जिनमें ये बीमारी ज्यादा होता है क्योंकि उन सिचुएशंस को अगर हम अवॉइड नहीं करेंगे तो जितनी बार भी इसका ट्रीटमेंट किया जाए बार बार ये बीमारी हमें होता ही रहेगा ये बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है पर ये बैक्टीरिया ऐसे ही इन्फेक्शन नहीं करते हैं इनको इन्फेक्शन करने के लिए एक स्वीटेबल इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ता है अगर आपका पैर बहुत देर तक पसीने से भीगा हुआ रहता है तो वहाँ बैक्टीरिया का ग्रो करने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जो लोग बहुत देर तक सॉक्स या बूट्स पहनते हैं या जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ लंबे लंबे सिंथेटिक बूट्स का इस्तेमाल होता है या जो लोग बहुत ज्यादा पानी का काम करते हैं उनके पैर बहुत देर तक भीगा हुआ रहता है तो उनमें ये बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसके साथ जिनको हाइपरहाइड्रोसिस यानी ज्यादा पसीना होने का समस्या है उनमें यह बीमारी दूसरों से काफी ज्यादा कॉमनली देखा जाता है इसमें क्या होता है ये बैक्टीरिया एक प्रोटीन के एंजाइम तैयार करता है जो हमारे पैर के स्किन के ऊपरी सतह जिसको स्टेटम कोर्नियम बोलते हैं उनके जो प्रोटीन है उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं इस वजह से पैर के नीचे छोटे छोटे या बड़े आकार के कुछ होल्स या पिट्स दिखाई देते हैं इस प्रोटीन ब्रेकडाउन के दौरान कुछ सल्फर कंपाउंड्स तैयार होते हैं जिनके वजह से इनमें बहुत ज्यादा बदबू भी होता है तो चलिए अब जानते हैं कैसे हम इस बीमारी को रोक सकते हैं अब देखिए जिनका जो काम है उनको तो वो करना ही होगा काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे पालेंगे पर जितना हो सके अपने पैरों को सूखा रखने की कोशिश कीजिए जिनको लंबे समय से सॉक्स या बूट्स पहनने की जरूरत पड़ता है उनको कभी कभी बीच में जूता उतारना पड़ेगा या मोजा निकाल के पैर को सूखने के लिए रख देना पड़ेगा ज्यादा देर तक कंटिन्यूअसली पानी का काम करना बंद करना होगा बीच बीच में पैर को पोच के उसको अच्छी तरीके से सुखाना बहुत जरूरी है ताकि पैर बहुत देर तक भीगा हुआ ना रहे उसके साथ अगर आपको हाइपरहाइड्रोसिस का प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्रेस्क्राइब करते हैं जिससे स्वेटिंग को थोड़ा कम किया जा सकता है कभी कभी हाइपर हाइड्रोसिस को ठीक करने के लिए आयोफ्रोसिस का भी इस्तेमाल किया जाता है इस बारे में दूसरे किसी वीडियो में डिटेल्स में मैं बात करूंगा इन सब के बावजूद अगर ये बीमारी आपको होता है तो सबसे पहले आपको किसी डॉर्माटोलॉजिस्ट के पास दिखाना होगा और इसका अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करना होगा इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है जैसे आप देख सकते हैं इन पेशेंट को मैंने एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट छह दिन के लिए खाने के लिए दिया था और उसके साथ फूसिडिक एसिड क्रीम दिन में दो बार करके पैर में लगाने के लिए दिया था सिर्फ सात दिन के बाद देखिए लगभग इनका बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो गया है अब देखिए मैंने एक दवाई का नाम बता दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से वो दवाई ले लेंगे कौन सा एंटीबायोटिक देना है और किस डोज में देना है और कितने दिनों के लिए देना है ये बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है जो कि सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही तय कर सकता है और कभी कभी इसके साथ वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन भी रहता है तो डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो उसका पता नहीं चलेगा तो खुद से कुछ भी ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत कीजिए जितना जल्दी हो सके एक क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाइए और इसका अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कीजिए तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक टेक केयर